हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यूपी पॉलिटेक्निक के रिजल्ट में बेटा आप सभी की कौन कौन सी चीजें देखनी है और रिजल्ट आपका फाइनल कब आ रहा है बताएंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आप इतना याद रखो कि आप सभी का जो डेट था वो बदल गया है, ठीक है। मतलब जो पहले आपका नोटिफिकेशन में आपका जो डेट सजेस्ट किया गया था वो डेट को अब रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो सवाल यह है कि सर रिजल्ट आने कब वाला है और रिजल्ट में मैं कौन कौन सी चीजें देखूंगा, रिजल्ट में क्या क्या चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि नंबर तो आपको ऑलमोस्ट मालूम चल ही गया है कि नंबर आपका कितना आने वाला है, ठीक है। नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि आपको मालूम है कि सर जी मैंने तो 50 क्वेश्चन सही किए थे तो 200 नंबर आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन सही किए थे तो 160 नंबर आ रहे हैं। नंबर का कोई दिक्कत नहीं है, देखना क्या है पहले आप इतना याद रखो, ठीक है। सबसे पहली चीज जो आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट में देखनी है वो ये है बेटा आपका, कि जो आपका नंबर है क्या वही चीज है, वही नंबर आपका दोबारा रहता है या फिर नंबर चेंज होता है। नंबर चेंज किस स्थिति में हो सकता है, मान लो कोई क्वेश्चन अगर गलती हो गया होगा कोई क्वेश्चन में, बाद में उसको सुधारा जाएगा तो सबको ग्रेस मार्किंग मिलती है। तो सबको जब ग्रेस मार्किंग मिल जाएगी तो जाहिर सी बात है उसमें नंबर में आपका बेटा सुधार आएगा, ठीक है। नंबर कुछ बढ़ के मिलेगा अगर ऐसा हुआ तो, नहीं तो आपका नंबर जो है ओरिजिनल नंबर जो रहेगा बेटा जो आंसर की में है आपने वही चीज आपको वहीं पे शो होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखनी है आपको, जो है अपना ओपन रैंक देखना है, ठीक है। आपको उसमें अपना ओपन रैंक देखना है कि ओपन रैंक कितना था। उसके बाद बेटा आप सभी की कैटेगरी रैंक देखनी है, ठीक है। ओपन रैंक के अलावा कैटेगरी रैंक भी देखनी है कि कैटेगरी रैंक आपकी कितनी है, ठीक है। किस कैटेगरी के आप विद्यार्थी हैं और किस कैटेगरी में उस कैटेगरी में वो रैंक कितना है। जैसे मान लो कि दो चीज़ें दिखाई देंगी, मान लो कि कोई SC कैटेगरी का स्टूडेंट है, कोई मान लो कि SC कैटेगरी का स्टूडेंट है। अब दो चीजें यहां पे वो ये देखेगा कि सबसे पहली बात कि जो जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं, टोटल जितने बच्चे एग्जाम दिए हैं उन बच्चों में उसका ओपन रैंक कितना है। तो मान लो कि उसका ओपन रैंक जो है वो 1 लाख बन रहा है, ठीक है। यहां पे 1 लाख बन रहा है, तो जब आपका ओपन रैंक 1 लाख बन रहा है तो ओपन लाख रैंक जब 1 लाख बन रहा है तो इस रैंक पर तो आपका एडमिशन हो नहीं पाएगा क्योंकि 1 लाख तो सीट ही नहीं है बेटा, ठीक है। तो ओपन रैंक कहने का मतलब है कि उसमें जनरल वाले भी आएंगे, ओबीसी वाले भी आएंगे, एससी वाले भी आएंगे, एसटी वाले भी आएंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी आएंगे, जितने बच्चे ओवरऑल पेपर दिए हैं उनमें उनका रैंक कितना है ये शो हो रहा है, ठीक है। कैटेगरी मतलब है कि एससी कैटेगरी में जो है आपका रैंक और आपका कट ऑफ कितना बन रहा है, आपका रैंक कितना रहा है, तो इसलिए वहां पे आपके पास कैटेगरी रैंक देगा। एडमिशन बेटा आपका कैटेगरी रैंक पर ही होगा क्योंकि सीटें जो हैं वो डिवाइड रहती हैं, एससी में अलग सीटें रहती है, एसटी में अलग सीटें रहती हैं, ओबीसी में अलग सीटें रहती हैं, ठीक है। तो सीटें जो हैं वो डिसाइड होंगी कि आपका कैटेगरी रैंक बेटा कितना आने वाला है, ये हमेशा कम रहेगा। जैसे मान लो ये 1 लाख है तो ये आपका 10,000 ही होगा, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आप इतना समझ लो कि पहले जो डेट जिकॉप की तरफ से दी गई थी वो क्या थी। तो पहले सर जो डेट हमें जिकॉप की तरफ से मिली थी वो थी सर हमें 1 जुलाई, 1 जुलाई डेट थी। आपको मालूम है कि सर जी 1 जुलाई के दिन बच्चे कह रहे थे कि सर जी 1 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा और यूपी में नोटिफिकेशन में भी लिखा था बेटा ऑलरेडी कि 1 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट की डेट चेंज हो चुकी है। तो आप सभी को सबसे पहला काम ये करना है कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स को आपने नहीं बनाया, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बेटा आप सभी को इकट्ठा करने हैं और इकट्ठा करके उन डॉक्यूमेंट्स को आपको बेटा बनाने हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स बना लीजिएगा और डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद बेहतरीन तरीके से आपका काम होने वाला है, ठीक है। तो 27 जून को आपका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। 1 जुलाई का जो डेट था वो कैंसिल हो चुका है बेटा, पहली चीज तो आप इतना समझ जाओ, ठीक है। 1 जुलाई को जो पहले आपका रिजल्ट आ रहा था इसको काट दीजिएगा, इसको आप भूल जाइएगा। अब आप जो है अपने रिजल्ट को बेटा 27 जून को ही आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। 27 जून को आपको मालूम चल जाएगा आपका रिजल्ट क्या है, कितने रैंक है, ओपन रैंक कितना है, कैटेगरी रैंक कितना है, कितनी सारी चीज़ें सीटें बच रही हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा 27 जून को ही। अब 27 जून को रिजल्ट आ जाएगा तो उससे रिलेटेड हो सकता है काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन भी आ जाए, तो काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन बेटा वो आ जाएगी तो मैं आप सभी को दे दूंगा, बता दूंगा कि काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन में क्या हुआ है और कब तक आपकी सारी चीज़ें आने वाली हैं। कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बेटा ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और 27 जून का वेट कीजिए, 27 जून के बाद आपको ऑलरेडी सारे डेटा में क्लियर आपको कर देने वाला हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।